हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का खतरा कितना बड़ा है इसका शायद बहुत से लोगों का अंदाजा ही नहीं। अगर अंदाजा है भी तो वो नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसी तस्वीर दिखी राजस्थान के बारा में। बाकी विकास, हम खुद बताते बताते अब थक गए लोगों को कि सावधानी बरती है, लेकिन लोग है कि मान नहीं रहे। कृषि उपज मंडी में FCI द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद के लिए यहां पर कूपन दिया जा रहा था। उस कूपन को लेने के लिए किसानों की इतनी बड़ी भीड़ यहां पर जमा हो गई कि 2 गज की दूरी के नियम की धज्जियां उड़ गई। और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि किसानों की भीड़ को पुलिस भी समझाती रही, प्रशासन के अधिकारी भी समझाते रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी ने नहीं किया। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। गर्मी से बचने को टेंट लगा है और कतारों में लगे लोग सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। न 2 गज की दूरी, न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। गेहूं की सरकारी खरीद का कूपन लेने के चक्कर में राजस्थान के बारा में किसानों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि लॉकडाउन के नियम कायदों की धज्जियां उड़ गई। पुरुषों की कतार अलग थी, महिलाओं के लिए अलग कतार थी, लेकिन दोनों कतारों में किसी ने भी एक दूसरे के बीच फासला रखने का ख्याल नहीं रखा। वो भी तब जब वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। वो लोगों को समझा रही थी, लेकिन पुलिस की एक ना चली। भीड़ में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो हम पालना करवा रहे हैं, पर ये कष्टकर है। अब ये भीड़ है, भीड़ तंत्र है, मानती नहीं है, निकल जाते हैं। उनको ज़्यादा सख्ती कर नहीं सकते इन पर। गर्मी में ग्रामीण है, हम लोग बात मानते भी हैं, नहीं भी मानते। कई तरह के लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं। अभी क्या है कि इनको बार बार हम समझा भी रहे हैं, पर ये मान नहीं रहे। कम भीड़ में कुछ जाते हैं। सुना आपने, बारा में इस भीड़ के आगे कैसे प्रशासन ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। जरा सोचिए, ऐसी भीड़ कोरोना काल में कितनी खतरनाक है। वैसे भी राजस्थान में कोरोना के अब तक 7,500 से ज्यादा केस आ चुके हैं। यही नहीं, राजस्थान में कोरोना से अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है। सोचिए, इस भीड़ से अगर कोई संक्रमित निकल आया तो कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। दो गज की दूरी है बहुत जरूरी, लेकिन माने कौन। राजस्थान के बारे में किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, तो झारखंड की राजधानी रांची में कंटेनमेंट जोन से बाहर करने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन करने सड़क पर आ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ऐसा हुआ जिसमें किसी ने एक दूसरे के बीच फासला ही नहीं रखा। रांची के हिंदपीढ़ी में अचानक लोग धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया जाए। देखिए, रांची का हिंदपीढ़ी वही इलाका है जहां पहला केस झारखंड का दर्ज हुआ था, और उसके बाद यहां पर लगातार एक दर्जन से ज्यादा केस सामने आए थे। आपको ये बता दें कि हिंदपीढ़ी इलाका रांची में कोरोना का एपिसेंटर रहा है। यहाँ से ज्यादातर मामले पाए गए हैं। झारखंड में कोरोना की शुरुआत भी यहीं से हुई। इसके बावजूद यहाँ लोग कंटेनमेंट जोन से खुद को बाहर करने के लिए इतने बेताब हैं कि धरने पर बैठ गए। ना 2 गज की दूरी का ख्याल है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है, यानी कोरोना फैलने के यहाँ पूरे बंदोबस्त इंतजाम लोगों ने कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक राजस्थान के भरतपुर में भी उड़ा। यहाँ शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ भारी हंगामा हो गया। देखिए, शराब के ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों की धक्का मुक्की की, खींचतान की, जोर जिरह हुई। दरअसल आबकारी विभाग ने भरतपुर के बासन गेट में शराब की दुकान खोली तो वहाँ के लोग लामबंद हो गए शराब की दुकान के। आप देखिए तस्वीरों में, कई लोगों ने तो मास्क ही नहीं लगाया हुआ है। लोग सड़क पर उतर आए। ख्याल तो रखना चाहिए कि शराब के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं तो कोरोना से भी आपको लड़ना है। इस प्रदर्शन के दौरान कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक तो मत बनाइए। तो देखिए, ये तस्वीरें दिल दुखाती हैं। इतना जागरूकता अभियान, इतनी प्रशासन सरकार की कोशिशें, आम नागरिकों बड़े स्टार्स की कोशिशें, हमारी एबीपी न्यूज की पहल, और लोग समझने को तैयार नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इस मर्ज का इलाज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की।
जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासियों को उनके स्टेशनों पर छोड़ रही हैं, वो यात्रियों के लिए आधी राहत साबित हो रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाद अपने घर तक पहुंचना भी इन प्रवासियों के लिए किसी जंग की तरह है। गया स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे कई प्रवासी बसों की छत पर जाने को मजबूर हैं। दो गज के नियम की दूरी की धज्जियां कैसे यहां नहीं उड़ेंगी जब जगह ही नहीं मिलेगी। घर लौटने वाले प्रवासियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि बसें कम पड़ गई, इसीलिए यहां पर जगह जगह जिसको जगह मिली वो वहीं चढ़ गया। कई लोग जान जोखिम में डालकर बसों की छत पर पहुंच गए। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग बस में सफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीट नहीं मिली तो लोगों को बस पहुंचने की जल्दी थी और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम नियमों की धज्जियां यहां उड़ा दी गई। ये तस्वीरें आप बिहार के गया की देख रहे हैं, जहां पर लोग स्टेशन से अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में बस की छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो यहाँ पर कोई महत्व ही नहीं रखती है। हो ये रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन श्रमिकों को स्टेशन तक छोड़ देंगी। अब स्टेशन से आप अपने गांव कैसे जाइएगा? अगर 200 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, तो क्या फिर पैदल जाइएगा? तो जो बसें मिल रही हैं, बसों की तादाद कम है, उसमें उतने लोग ठूस दिए जा रहे हैं, कुछ अंदर और जगह नहीं मिली तो छत पर। लेकिन लोग नियमों का ख्याल तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या को भी प्रशासन शासन को देखना होगा, समझना होगा और उसके लिए सुविधा लोगों को देनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को मिलेंगी। देखिए राज्य सरकारों की तरफ से इस मामले में बहुत ज्यादा लापरवाही वर्ती जा रही है और इसी का नतीजा है कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर। होता यह है कि प्रशासन की अव्यवस्था ना केओस पैदा करती है और फिर हालत जमीन पर क्या हो जाती है, झांसी की तस्वीर आपके सामने रख देगी सच। झांसी सीमा पर घंटों बस के अंदर कैद रहने के प्रवासी मजदूर सब्र का उनका जवाब दे दिया, हंगामा यहाँ पर शुरू हो गया। दरअसल महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटा जाना था, इसी वजह से देरी हो गई। झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर झांसी प्रशासन ने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन गिफ्ट देने का कार्यक्रम रखा था। झांसी जिला प्रशासन ने इन सभी बसों का इंतजाम किया। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उनको आधी रात के बाद से यहां पर रोका गया, पहले झांसी सिटी में ले जाया गया, उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, वापस फिर यहीं पर ले आए, इसलिए लोग भड़क गए। लोग भड़के, लोगों ने नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पहले बस का इंतजार किया घंटों, उसके बाद बस के अंदर बैठकर इंतजार किया। अगर प्रशासन को सैनिटरी नैपकिन बांटने का कार्यक्रम करना था तो उसका अपना शेड्यूल होना चाहिए था, हमें बस के अंदर क्यों बिठाया गया? तो आधी रात को रोके जाने से परेशान ये प्रवासी जमकर हंगामा कर रहे हैं और यहाँ पर भी वही हो रहा है जो सब जगह तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हंगामा करने के नाम पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम इनको कोरोना से बचा सकते हैं उनका पालन नहीं कर रहे। अगर आपको सैनिटरी नैपकिन बांटनी भी थी तो वो सहूलियत के लिए बांटनी थी, लेकिन ऐसी सहूलियत के लिए आपने लोगों को और मुश्किल में डाल दिया, लोगों की परेशानी बढ़ी और नतीजा ये हुआ कि लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ भड़क।